तो परफॉर्मेंस की तो आप बात वही रहे, मेजर डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी का मिल जाता है, टियागो के अंदर नहीं मिलता। बेस प्राइस है उसमें प्लस कर दीजिए इस प्राइस को। वीडियो शुरू होने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्पीड 16। कैसे हो आप सब लोग? होपफुली सब अपने घर पे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं टाटा टियागो का वर्सेस टाटा पंच। काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन है और जब से सीएनजी आई है तो तब से तो ये कंफ्यूजन बढ़ चुका है। तो यहाँ पे टाटा टियागो वर्सेस टाटा पंच में हम ये देखेंगे कि पेट्रोल में अगर आप कौन सी कार खरीदते हैं आपको ज़्यादा वर्थ करती है, और सीएनजी में अगर आप टाटा टियागो खरीदते हैं और पेट्रोल में पंच खरीदते हैं तो कौन सी ज़्यादा वर्थ करती है कंपैरिजन का। और एंड में आपको बताऊंगा कि आपको क्या कॉस्ट पड़ती है अगर आप इसको पेट्रोल में चलाते हैं और टियागो को सीएनजी में चलाते हैं, तो वहां से आप बहुत इजीली जज कर सकते हैं कि कौन सी कार आपको खरीदनी है। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। और अभी तक आपने टाटा टियागो और टाटा टिगोर सीएनजी की वीडियोस नहीं देखी तो आई बटन में जाके आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं और अपनी पसंद की वीडियो को देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं गाइज आज की इस वीडियो को। सो गाइज, सबसे पहले प्राइस रेंज की बात कर लेते हैं। जो प्राइस रेंज टाटा टियागो की शुरू हो जाती है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पेट्रोल में वो 5,01.9 से शुरू हो जाती है। इसके अलावा 7.17 तक जाती है। ब्लू कलर में पेट्रोल वेरिएंट्स यहाँ पे दिए गए हैं और ग्रीन कलर में सीएनजी वेरिएंट्स हैं जो 6.09 लाख से शुरू हो जाते हैं और 7.52 लाख तक रहते हैं। वहीं जो पंच की शुरुआत है वो 5.6 लाख से शुरू होकर 8.98 तक हो जाती है। दोनों ही कार में आपको AMT ट्रांसमिशन मिलता है, बट सीएनजी के अंदर आपको AMT ट्रांसमिशन का ऑप्शन नहीं मिलता। सो वो की फीचर का जो कंपैरिजन हम करेंगे वो करेंगे टाटा टियागो XM CNG का वर्सेस टाटा पंच एडवेंचर वेरिएंट से। सो गाइस, सबसे पहले इंजन स्पेक की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर इंजन की बात करी जाए तो दोनों में सिमिलर इंजन मिलता है आपको, और इसके अलावा 3 सिलेंडर इंजन है दोनों के अंदर। जो पावर की बात करूँ तो यहाँ पे टियागो में आपको 72 BHP की पावर मिलती है सीएनजी में, और 84 BHP की पावर मिलती है आपको पेट्रोल में। तो इसके अलावा टॉर्क भी चेंज हो जाता है इसमें, 95 Nm का टॉर्क मिलता है आपको सीएनजी में और 113 Nm का मिलता है आपको पेट्रोल में। तो पेट्रोल में दोनों की जो इंजन स्पेक है वो सिमिलर हैं, और सीएनजी में थोड़ा सा यहाँ पे जो दिखा रहा है वो कम हो जाता है, बट आप जब कार को चलाएंगे टियागो को तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप पेट्रोल पे चला रहे हो या फिर आप सीएनजी पे चला रहे हो। आप आई बटन में जाके इसका ड्राइव रिव्यू देख सकते हैं। सो इसके अलावा माइलेज की बात करूँ तो यहाँ पे पंच में आपको कम माइलेज मिलती है, आपको 18 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज मिलती है टाटा पंच के अंदर, और वहीं आपको पेट्रोल के अंदर टियागो की जो एवरेज है वो 23 पर लीटर मिलती है, और इसके अलावा 26.49 किलोमीटर पर केजी मिलती है आपको सीएनजी में। तो यहाँ पे बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस आता है, वो एंड में आपको बताऊंगा कि क्यों आता है। अब इंजन की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, एक कंपनी के इंजन है, तो परफॉर्मेंस की तो आप बात वही रखो कि सिमिलर आपको मिलने वाला है, कोई भी डिफरेंस नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं डायमेंशनली जब आप कार खरीदते हो तो बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि बूट स्पेस है, लेग स्पेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और जो आप कार को खरीदते हैं तो उसकी लुक भी होती है, तो लुक का भी हम डिस्कस करेंगे एक्सटीरियर के सेगमेंट में। सबसे पहले लेंथ की बात कर लेते हैं। लेंथ देखिए, यहाँ पे टाटा पंच की जो लेंथ है वो ज़्यादा है, टियागो की लेंथ 62 mm कम है इसके कंपैरिजन में। विड्थ की बात करूँ तो 65 mm टियागो की विड्थ कम है और 80 mm हाइट कम है। अब आप देखिए यहाँ पे जो बल्किनेस है वो पंच के अंदर ज़्यादा है, टियागो में नहीं है। दोनों डिफरेंट कार हैं, एक हैचबैक है, ट्रू हैचबैक है, और एक कॉम्पैक्ट SUV है, तो बल्किनेस जो कर्व्स हैं वो ज़्यादा पंच के अंदर आपको मिलते हैं। अब वो कर्व होने की वजह से जो ये थोड़ा थोड़ा गैप आपको नज़र आता है वो आउटर बॉडी का आता है, इनर बॉडी के अंदर मतलब इनर स्पेस जो है, जो अंदर का स्पेस है उसमें कोई मेजर डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। ये जो डिफरेंस आपको डायमेंशनली मिल रहा है ये सिर्फ एक्सटीरियर का है, जो डिजाइन का फर्क है वो है। व्हील बेस की बात करूं तो 45 mm का व्हील बेस का डिफरेंस है, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है व्हील बेस में। तो जब लेग स्पेस की बात करते हैं तो दोनों में आपको सिमिलर ही मिलने वाला है। हालांकि जो लेंथ है, लेंथ से आपके बूट स्पेस में बिल्कुल फर्क पड़ेगा। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो 17 mm का डिफरेंस है, तो होना ज़रूरी भी है क्योंकि एक SUV है, एक हैचबैक है, अगर ये चीज़ मेंटेन करके नहीं चलेंगे तो जो लुक है वो ख़राब लगने लगेगा। अगर क्लियरेंस मान लीजिए कॉम्पैक्ट SUV का कम कर देते हैं तो उसमें SUV वाली फीलिंग रहेगी नहीं। तो यहाँ पे ये डिफरेंस इन दोनों कार में डायमेंशनली आपको नज़र आएगा।
की फीचर्स की बात कर लेता हूँ, क्या आपको मिलता है दोनों कार के अंदर। तो यहाँ पे R14 से R15 तक के व्हील आपको टाटा टियागो में मिलते हैं और R15 से R16 तक के व्हील आपको टाटा पंच के अंदर मिलते हैं। इसके अलावा बूट स्पेस आपको ज्यादा पंच के अंदर मिलता है, 366 लीटर का और 242 लीटर का बूट स्पेस आपको मिलता है टियागो के अंदर। और जब इसके अंदर टियागो के अंदर CNG लग जाती है तो बूट स्पेस सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रह जाता है, बहुत कम बूट स्पेस मिल जाता है, जैसे कि आप दो तीन छोटे मोटे बैग इसके अंदर रख सकें और वो भी जब रख सकते हैं जब सीट फोल्ड हो जाए। तो यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी का थोड़ा सा कंसर्न जरूर है, बट कोई बात नहीं, CNG आपको मिल रही है, सेफ्टी आपको मिल रही है कार के अंदर, तो ये कॉम्प्रोमाइज मैटर नहीं करता है। और आप रोज रोज ऐसा तो नहीं है कि वहां पे लगेज का यूज करेंगे। तो इसके बाद जो रियर सीट हेडरेस्ट है वो आपको पंच के अंदर मिल जाता है, टियागो के अंदर नहीं मिलता। ये एक काफी इंपॉर्टेंट की फीचर है। इसके अलावा ऑडियो माउंटिंग कंट्रोल, जो म्यूजिक के शौकीन है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे भी ये पर्सनली बहुत पसंद है ऑडियो माउंटिंग कंट्रोल्स होना, क्योंकि आपकी जो एक कंसंट्रेशन है ड्राइविंग का वो डेटोरेट नहीं होता, वो डिस्टर्ब नहीं होता अगर ऑडियो माउंटिंग कंट्रोल है। तो यहाँ पे ये एक की डिफरेंस है दोनों कार के अंदर। ड्राइविंग मोड्स की बात करूँ तो यहाँ पे ड्राइविंग मोड आपको पंच के अंदर मिल जाते हैं, टियागो के अंदर नहीं मिलते। हालांकि ऑडियो माउंटिंग कंट्रोल अगर अबव सेगमेंट में जाते हैं, एग्जिट प्लस में जाते हैं, आपको ये ऑडियो माउंटिंग कंट्रोल टियागो के अंदर भी मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके ओवरऑल डिजाइन की दोनों कार के। तो यहाँ पे मैं बात करूँ जो डिजाइन है, जो DRL प्लेस किए गए हैं वो ऊपर की तरफ प्लेस किए गए हैं और उसके बाद नीचे आप आते हैं तो यहाँ पे आपको हेडलैम्प नजर आएगा और नीचे ही फॉग लैम्प नजर आएगा। जो डिजाइन की बात करूँ, डिजाइन बिल्कुल बल्कि जो डिजाइन है वो पंच का है और एक स्लोपी हैचबैक डिजाइन है वो टियागो का है। तो अट्रैक्टिव दोनों ही डिजाइन है, अपने सेगमेंट में दोनों कार के डिजाइन काफी अच्छे दिखते हैं। अब आप कंपेयर नहीं कर सकते डिजाइन कैटेगरी में कि हैचबैक को आप SUV से कंपेयर करें, क्योंकि SUV ऑलरेडी पॉपुलर है इंडिया में, अट्रैक्ट ज्यादा करती है, अपीलिंग ज्यादा है और हैचबैक उसके कंपैरेटिवली उतना नहीं करती है। रियर की बात करूं तो लाइट जो अट्रैक्टिव है वो पंच के अंदर काफी अच्छी दी गई है, जो टियागो में आपको उतना नजर नहीं आएगा। तो यहाँ पे ओवरऑल लुक की बात करूँ तो लुक में मुझे काफ़ी अच्छा लगा पंच का जो स्टांस है, और टियागो भी उससे कम नहीं है। अगर मैं हैचबैक कैटेगरी में बात करूँ तो दोनों ही कार अपनी अपनी कैटेगरी में बहुत अच्छी दिखती हैं डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटीरियर में आपको काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। बेस वेरिएंट की बात करूँ टियागो के अंदर, तो टियागो में आपको पावर विंडोज़ नहीं मिलते, बट यहाँ पे पंच के अंदर आपको जो स्टार्टिंग रेंज है उसी में आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स मिलने शुरू हो जाते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ पेट्रोल पे, अगर आप इस कार को 1,00,000 किलोमीटर तक चलाते हैं दोनों कार को, तो एवरेज का जो डिफरेंस आता है उस वजह से आपको जो कॉस्ट पड़ती है फ्यूल की, यहाँ पे पॉइंट नोट करिएगा कि यहाँ पे सिर्फ ये फ्यूल की कॉस्ट है, तो यहाँ पे 4.1 लाख आपको टियागो में पे करना पड़ता है 1,00,000 किलोमीटर के लिए, और वहीं पंच के अंदर आपको 4.2 लाख पे करना पड़ता है 1,00,000 किलोमीटर के लिए, और CNG में अगर आप टियागो लेते हैं तो 2.03 लाख आपको पे करना पड़ता है। तो आप ये देख लीजिए जो आपकी रनिंग है उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए कि कितना आपको चलानी है कार, और उसके अकॉर्डिंग जो आपकी बेस प्राइस है उसमें प्लस कर दीजिए इस प्राइस को, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो शॉर्टलिस्टिंग है वो बड़ा इजी हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आप कार खरीद सकते हैं। देखिए यहाँ पे फीचर्स वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सटीरियर वाइज यानी डिजाइन वाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दोनों कार के अंदर। अब जो बात आती है वो बात आती है बजट के ऊपर कि किस बजट में आप जाना चाहते हैं। वो बजट को काफी हद तक यहाँ पे होपफुली मैंने सॉल्व किया होगा ये जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है। दोनों ही सेफ कार हैं, टाटा ब्रांड की कार है, तो उस हिसाब से कोई भी ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। होपफुली आपको काफी क्लैरिटी हुई होगी इस कंपैरिजन में कि कौन सी कार खरीदने। फिर भी कोई आपके मन में डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं। इसी के साथ विदा लूंगा, जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब करें Speed16 चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।